हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एलियन और कुरेशी, और आज आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेव आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो मास्क के बारे में हम आज थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों बहुत से लोग जो है N95 मास्क वापरते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क वापरते हैं, अलग अलग प्रकार के मास्क वापरते हैं। तो ये मास्क सिर्फ जो है मेडिकल्स के लिए है। दोस्तों आपने जो है, जो लोग मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने सादे कपड़े के, क्लॉथ के, कॉटन के मास्क भी अगर उसने वापर लिए तो वो ठीक है। शायद ट्रिपल लेयर मास्क है, ऐसे वापरे, ऐसे इस प्रकार के जो ट्रिपल लेयर मास्क है, ऐसे वापरने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या कॉटन के कपड़े के मास्क वापरने से चलता है, या फिर आप फेस शील्ड भी वापर सकते हैं। बहुत सारे फेस शील्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, सादे फेस शील्ड है जो है सिंपल प्लास्टिक के बने होते हैं, या फिर जो एक फेस शील्ड मैं आपको बता रहा हूँ बाजू में, जिसकी फ़ोटो मैंने, फेस शील्ड है, तो इस प्रकार के फेस शील्ड आप वापर सकते हैं। N95 मास्क आप अवॉइड करें, कॉटन के सिंपल मास्क आप वापर सकते हैं दोस्तों। और अलग अलग प्रकार की जो है, नहीं, इससे मास्क वापरने से हमें जो है अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं दोस्तों। N95 मास्क अगर आप वापर रहे हैं तो एल्डरली जो पीपल हैं, 60-65 के ऊपर, जो 70 के करीब करीब है, 70 के ऊपर जो मास्क पहन रहे हैं, उनको जो है N95 मास्क से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल उनका कम हो सकता है, या फिर जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनको भी जो है इस प्रकार के मास्क वापरने से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो वो लोग जो है सिंपल एक फेसशील्ड, स्टील बट का जो मैं बता रहा हूँ, या कोई भी फेसशील्ड वो वापर सकते हैं, उससे जो है बहुत ही उनका जो है, एक बात है कि अपना फेस अगर कवर हो जाएगा तो हमें कुछ भी इन्फेक्शन का डर ही नहीं रहता। आप बाहर भी जा रहे हैं तो फेसशील्ड वापरे, या फिर सिंपल एक कपड़े का बना हुआ मास्क जैसे मैं बता रहा हूँ वापरे। N95 मास्क ये आप ना वापरे कि उससे प्रॉब्लम हो सकता है। और मास्क आप N95 मास्क वापर रहे हैं, या अलग अलग प्रकार के मास्क वापर रहे हैं, ट्रिपल लेयर, 7 लेयर, 5 लेयर, ऐसे जो मास्क वापर रहे हैं, उससे ईचिंग का भी प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा स्किन पे आता है दोस्तों। वो हमें पता है, हम मेडिकल्स हैं, हमें जो है बहुत से प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और बहुत से जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो ये मास्क है अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा जो है आप N95 मास्क वापरे ना, सिंपल मास्क वापरे, कॉटन कपड़ों का मास्क वापरे, या फेस शील्ड का वापर करें जो फोटो में बताया गया है। वो इस प्रकार से आप बेस्ट वे, तो आप बाहर ही ना निकले, ये ऐसा आप, ये पैंडेमिक चालू है, सेकेंड वेव के चांसेस हैं, तो अपना केयर करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं दोस्तों, और इसी तरीके से अपना केयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।